नमो नमः बच्चों, कल मैंने आपको समझाया था कि वचन के भेद कितने होते हैं, और आप नीचे उदाहरण दिए थे, वो याद करने के लिए भी दिए थे, लिखने के लिए दिए थे, लेकिन आपने बेचा बेटा कोई उत्तर ही नहीं दिया। वो आपको लिख के दिखाने थे तो वो भी आपको लिख के दिखाने हैं, और आज का काम मैं आपको समझा रही हूँ, वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करके लिखना। तो बेटा सबसे पहले वर्ण विच्छेद समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण का मतलब है वर्ण्यते लिख्यते लघुतमो ध्वनि येन सः, अर्थात वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके। छोटी से छोटी, इससे आगे उसका उसके टुकड़े हो नहीं सकते, वो कहलाता है वर्ण। अब इसके बाद बेटा वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर के भी तीन भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। व्यंजन के भी तीन भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, उसको हम वर्गीय व्यंजन भी कह सकते हैं, और अंतस्थ तथा ऊष्म। अब हम बेटा विस्तार से तो इनका हम अलग से वर्णन करेंगे। आज आप स्वर और व्यंजन को समझना कि स्वर क्या चीज़ है और व्यंजन क्या है, जो हमारे वर्ण विच्छेद में काम आएगी। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो है वो अपने आप में पूर्ण होते हैं बेटा, स्वतंत्र है अपने आप में, अर्थात स्वर वे हैं जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण होते हैं, और उनके उदाहरण है जैसे ए आ ई उ री लरी, संस्कृत भाषा में लरी भी स्वर होता है, ए ऐ ओ औ। और व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे मैंने बताया कि स्वर तो अपने आप में पूर्ण होते हैं, लेकिन व्यंजन उसके विपरीत वो अपने आप में अपूर्ण होते हैं, यानी अधूरे होते हैं, उनको स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। अगर बिना स्वरों की सहायता से हम उनको लिखेंगे तो बेटा वो पूर्ण नहीं कहलाएंगे, ये मैंने उदाहरण में दिया भी है, व्यंजन के उदाहरण में। तो इनको क्या बोला जाएगा अगर स्वरों की सहायता नहीं ली जाती? को खो गो गो ऐसे बोलेंगे ये, तो क्योंकि इनको स्वरों की सहायता नहीं मिली। लेकिन जब इनको स्वरों की सहायता मिल जाती है, तो नीचे मैंने उदाहरण दिए हैं, एक तरफ व्यंजन लिखे हैं, एक तरफ स्वर लिखे हैं, और उस व्यंजन के साथ जो स्वर मिल जाता है तो वो क्या बोलता है फिर? जैसे अब जैसे व्यंजन था को, और उसमें स्वर मिल गया हमारा ए, तो पूरा अब ये व्यंजन अब पूरा हो गया क। तो अब देख रहे होगे आप कि इसके पीछे ए की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है, इसका मतलब है कि इस के अंदर ए स्वर मिला है। अगर इसी तरह से इसमें आ आ मिला देते हैं, जैसे को जमा आ, तो क्या बन जाएगा? का। तो आ स्वर मिल गया तो का पूरा बन गया ये। अब जैसे को और इसमें हमने मिला दिया ई स्वर, ई स्वरों की ये मात्राएं मिल जाती हैं बेटा, मात्राएं हो जाती हैं, ये व्यंजनों में जब लगती हैं तो मात्राएं बन जाती हैं। तो क ई की, इसी में अगर दीर्घ ई यानी बड़ी कर दिया क ई, तो क्या बन गया? की। तो अब आप समझ गए होगे कि स्वर तो बिना किसी की सहायता से बोले जाएंगे, अपने आप में पूर्ण होंगे, और व्यंजन जो है वो अपने आप में अधूरे होते हैं, और वो स्वरों की सहायता से पूर्ण होते हैं। और इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझ भी गए होगे। नमो नमः बच्चों, जैसा कि आपको पता है कल हम वर्ण विच्छेद समझ रहे थे, तो उसमें वर्ण किसे कहते हैं और स्वर व्यंजन की परिभाषाएं मैंने आपको समझाई थी, तो आज हम वर्ण विच्छेद करने जा रहे हैं। देखो बेटा, ये सबसे पहले है चषक है, तो चषक आप बोल के देखेंगे इसको चय, तो आपको किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है? पीछे ए की। और जैसा मैंने कल आपको बताया था कि जो व्यंजन होते हैं वो अपने आप में अधूरे होते हैं, तो
तो जो अधूराक्षर होता है उसको आप नीचे ये देख रहे होगे हलंत, इसको हलंत बोलते हैं। तो इसको हलंत करके और इसमें से हमने स्वर निकाल लिया ए, क्योंकि हमें ए की ध्वनि सुनाई दे रही थी। फिर उसके बाद है जैसे श, तो क्या सुनाई दे रहा बेटा हमें ए, तो इसी तरह से श हलंत करके और उस प्लस कर देंगे ए। उसके बाद क है, आप ये दो बिंदी देख रहे हैं, इसको संस्कृत भाषा में हलंत कहते हैं, सॉरी विसर्ग कहते हैं। तो और इनका जो उच्चारण होता है वो है जैसी आवाज आती है इसके उच्चारण के समय, क है। तो आप जैसे देख रहे हैं ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, उसके बाद विसर्ग की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो क में से हम ए निकाल देंगे, क हलंत जमा ए। तो इस तरह से ये आपका वर्ण विच्छेद का मतलब होता है, वर्णों को अलग अलग करना, किन किन वर्णों से ये चषक शब्द बना, तो ये मैंने आपको समझाया। अगला शब्द है सौची क है। अब देखिए अंडरलाइन मैंने कर भी रखी है अलग अलग, तो सऊ तो किसकी आवाज आ रही है, औ की, तो औ को हम अलग निकाल लेंगे। अब औ निकल गया स में से, तो स हलंत रह गया, तो स हलंत जमा औ। फिर आप उच्चारण करके देखो बेटा, ची किसकी ध्वनि सुनाई दी, ई की, तो च हलंत करके उसमें से हम ई निकाल लेंगे। फिर क है, किसकी ध्वनि सुनाई दे रही है, पीछे ए की, तो क हलंत करके उसमें से हम ए निकाल लेंगे और विसर्ग लगा देंगे। तो इस तरह से ये सौची क शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। अगला शब्द है विडाल है, तो अलग अलग ऐसे ही बोल के देखो, वी ई की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है पीछे, तो वह हलंत करके उसमें से हमने ई निकाल लिया। फिर आगे है जैसे डा, किसकी ध्वनि सुनाई दी, आ की, तो ड हलंत करके उसमें से हमने आ अलग कर दिया। ल है, फिर ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो ल हलंत करके, हलंत क्यों कर रहे हैं बेटा हम, क्योंकि इसमें से स्वर निकाल रहे हैं। और कल बता भी रही थी मैं कि व्यंजन जो है अपने आप में अधूरे होते हैं, तो जब हम इसमें से स्वर निकाल देंगे तो वो हलंत रह जाएगा, इसलिए इसको हम हलंत कर रहे हैं। तो ए निकाल दिया, ल हलंत रह गया, तो ल हलंत जमा ए है। अब आगे देखो जैसे बली वर्द है, बे उच्चारण करके देखो, बे ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो बे हलंत कर दिया, प्लस में ए कर दिया। फिर अगला है ली, ली दो स्वरों दो मात्राओं जितना समय लगेगा उच्चारण करने में, क्योंकि ये दीर्घ ई है, बड़ी ई, तो इसमें से ल हलंत कर दिया क्योंकि ई निकाल ली, तो ल हलंत करके प्लस में बड़ी ई। फिर वह ए सुनाई दे रहा है, तो वह हलंत करके उसमें से ए निकाल दिया। अब देखो बेटा ये र है, अब हमने ये देखना है जब उच्चारण करके देखेंगे, बलीवर वह के बाद र आ रहा है, तो वह का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया है उसके बाद र। और एक बात ये ध्यान देने की है कि जो र किसी भी वर्ण के ऊपर होता है वो हलंत होता है, यानी आधा र होता है, तो इसलिए र जब हम लिखेंगे तो हलंत करके उसके बाद कोई स्वर नहीं आएगा, क्योंकि वो र आधा है। उसके बाद आ गया द है, द में से ए निकाल लिया, द हलंत करके प्लस कर दिया ए है। तो इस तरह से हमारा ये बलिवर्द शब्द का वर्ण विच्छेद हो गया। अब अगला है शूत है। अब देखो बेटा शू स आपको आधा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसको स्वर की सहायता नहीं मिल रही, तो सीधा हम क्या लिख देंगे, इसको सिर्फ स स को हलंत करके लिख देंगे। और फिर उसके बाद है यू, बड़ा ऊ है, तो यह ऊ बड़े ऊ की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो यह हलंत करके इसमें प्लस बड़ा ऊ। और फिर उच्चारण करके देखो तय है, ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, तो तय हलंत जमा ए है। तो बेटा मेरे मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और भी मैंने कुछ और शब्द लिख रखे हैं, जैसे कुक्कुरऊ, एतऊ, रामेण, सीव्यति, हसंती, और इनकी मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है, तो आप इनको भी ध्यान से देख लेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि ये कैसे कैसे हुए हैं। और आपको मैं गृह कार्य भी दे रही हूँ, नीचे कुछ पांच शब्द दिए हैं मैंने, आप इनको भी जैसे मैंने वर्ण विच्छेद करके दिखाया आपको समझाया है, इसी तरह से इनको अलग अलग, पहले अलग अलग अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद इनका वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे।
और कॉपी में इसको संस्कृत की कॉपी में बेटा आप कई बार समझ नहीं पाते, संस्कृत एक अलग विषय लग गया है तो उसमें आप संस्कृत की जो कॉपी है उसमें करेंगे ये सारा काम जो कल दिया था वो भी, जो आज समझा रही हूँ ये भी, और इसको ये जो शब्द मैंने दिए हैं गृह कार्य के लिए ये वर्ण विच्छेद करके आप मेरे को फोटो खींच के काम करोगे पहले, फिर फोटो खींच के भेजोगे।